एक तरफ जहां सिख धर्म के लोग इस महीने में शहीदी दिहाड़े मना रहे हैं क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी के लाल दिसंबर के आखिरी महीने में शहीद हुए थे, और वहीं पंजाब सरकार के ऐलान के बाद पंचायत के चुनाव करवाए जा रहे हैं। इलाके समूह कौम सिख द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है और चुनाव को पोस्टपोन करने के लिए सरकार से अपील भी की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा अपना फैसला नहीं बदला गया। वहीं फरीदकोट के गांव बाणा के गुरुद्वारा कमेटी मेंबरों की तरफ से जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मैडम परमजीत कौर को एक मांग पत्र सौंपकर चुनावों में उम्मीदवारों की तरफ से किसी प्रकार का नशा ना बांटा जाए, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए जाने की मांग की। कमेटी मेंबर गुरसेवक बाणा ने कहा कि दिसंबर के महीने में सिख कौम द्वारा शहीदी दिहाड़े मनाए जाते हैं, जिन दिनों में कोई भी शादी विवाह नहीं करता, लेकिन सरकार द्वारा अपील किए जाने के बावजूद भी चुनाव करवाए जा रहे हैं जिसमें यकीनन नशा खुलकर चलेगा, और हमने मांग की है कि प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए चुनाव दौरान किसी उम्मीदवारों को नशा नहीं बांटने दिया जाएगा। पिछले दिनी पंजाब सरकार ने जो पंचायती चुनाव का ऐलान किया वो किया है जिहड़ा दिसंबर के अखीरले हफ्ते विच, सिख कौम के जिहड़े आ शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं इस पोह दे महीने दे विच, दिसंबर के आखिरी हफ्ते दे विच आउंदे आ। सो सिख कौम के आगूआं ने श्रोमणी कमेटी ने भी अपील की सरकार नूं कि ये अगियां पाई जाणगे वोटां, पर इन्हां ने सरकार ने जिहड़ा डेट नहीं बदली तां जो शहीदी दिहाड़े आ वो वोटां दे विच आए आ। ते आपां देख रहे हैं पंचायती चोणां दे विच जिहड़ी आ नशा खुल्लेआम वंडिया जा रहा, वो घरों घर पुलिस आ जांदा। सो असीं अपील लैके आए हाँ डी साहब को, डी साहब मिले नहीं तो असीं उन्हां दे सहायक नूं दे के चले हैं तो मंग पत्र अपना। असीं अपील इन्हां नूं यह की है कि वो जिहड़ा बंद की कार्रवाई करन अपने तौर पर जिन्नी हो सकती है, भी नशा जिहड़ा मुक्त किया जाए पंचायती चोणां नूं, तां जो असीं शहीदी दिहाड़ियां दे विच ब्याह भी नहीं करते पिंडां विच, ते इह किहड़ा कम आ खुल्लेआम नशा वंडना, ये जिहड़ा साडे हिरदिआं नूं ठेस पहुँचूगी, ये असीं अपील लैके आए हैं जिहड़ा बंद किया जाए। फरीदकोट से जगतार दुसांझ, जीवे पंजाब टीवी।